मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स। अरे इतनी अच्छी धूप है ना आज, काफ़ी दिनों की ठंड के बाद फाइनली वेदर इज सो प्लेजेंट। अभी मैंने फोरकास्ट देखा था तो आई थिंक कुछ दिनों बाद फिर से होने वाली है ठंड, तो बेटर टू इन्जॉय। और आज है वीकेंड तो हम लोग सोच रहे हैं कि दोबारा से फाइल जाएँ, तो मे बी आई विल कंटिन्यू दैट ब्लॉग, बट खाना वगैरह सब कुछ बनाकर ही जाऊंगी मैं, बिकॉज कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं कुवैत में, तो मैं नहीं चाह रही कि हम लोग बाहर खाएं। वैसे हम जब भी फाइल जाते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम सरवना में खा लें, बिकॉज वी लव साउथ इंडियन फूड, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। तो बस हम क्या करेंगे, फाइल में मे बी हम वॉक करें वहाँ पर और मास्क वगैरह पहन के और बीच पे बैठेंगे। तो फाइल का बीच जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, तो एक जगह हम पकड़ के अपने बेडशीट वगैरह बिछा के आराम से बैठते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं और आराम वहाँ पे खेलता रहता है। मरीना वाला बीच जो है ना वो थोड़ा सा क्राउडेड रहता है, और भी बीचेज हैं थोड़े से क्राउड रहता है, तो इसलिए हम यहाँ वाले नहीं जा रहे, फाइल जा रहे हैं फहा हिल। आप लोगों को भी पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, तो चलो लगते हैं काम पे। और आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत दिन हो गए कुछ बातें वगैरह नहीं हुई, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं, कुछ बातें वगैरह करते हैं। और कैसे जा रहे हैं आपके दिन? हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे एक जो है कोरोना पेशेंट आ गए थे हमारे बिल्डिंग में, बट उनकी वाइफ और उनके बच्चे को नहीं हुआ, थैंक गॉड उनको ही हुआ है, सो ही इज़ क्वारंटाइन राइट नाउ। आप लोग कितना बाहर जा रहे हो, कितना नहीं जा रहे हो, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो लेट्स बिगिन आवर डे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वीकेंड है और फ्राइडे है, तो फ्राइडे जो है वो काम होता है क्योंकि मेट यहाँ पर आती नहीं है, तो अभी आपको किचन में दिख रहा होगा कि काफ़ी काम है किचन में, सो डोंट माइंड, बिकॉज फ्राइडे में सिर्फ एक ही दिन मिलता है मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने को, और आफ्टर अ वीक मैं भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी बच्चा भी घर में ही है, तो पूरा जो रूटीन है वो चेंज हो गया है, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फ्राइडे मैं क्या करती हूँ कि फ्राइडे जितना इंपॉर्टेंट वर्क होता है ना, जितना मतलब करना ही करना है मुझे काम, वही करती हूँ मैं, जैसे कुकिंग हो गई या थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो गई, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है दैट्स ओके, आगे कल कर लूँगी या परसों कर लूँगी, और मेड तो आई जाएगी उसके बाद, तो साथ में मिलकर कर लेंगे। तो फ्राइडे जो है वो किचन में मैं उतना ही काम करती हूँ जितना ज़रूरी है, जितने बर्तन मुझे ज़रूरत पड़ती है उतने लेते जाती हूँ, कभी कभी बर्तन कम होते हैं तो मैं कर भी देती हूँ, लेकिन किचन मेरी ऐसी ही ज़्यादा रहती है, तो दैट्स फाइन। कईयों को ये ठीक भी लगेगी, कईयों को नहीं भी लगेगी। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहा, तो पोहा बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, आप लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा, लेकिन फ्राइडे आई थिंक पहले हमारा एकदम रूटीन था कि फ्राइडे हम लोग पोहा खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीच में मैंने कई बार पूरा मील बना लिया, देन मैंने फिर पोहा स्किप कर दिया, क्योंकि गर्मी में हम लोग छाछ वगैरह भी ले लेते हैं, अभी सर्दी हो गई थी, जुकाम वगैरह हो गए थे, तो हमने छाछ वगैरह बंद कर दी, तो छाछ बंद हुई तो पोहा भी बंद हो गया, तो फिर से मैं पोहा बना रही हूँ आज, और काफ़ी चेंज लग रहा है एक्चुअली, जबकि पोहा बहुत ज़्यादा रूटीन हो गया था। जा रहे हैं तो, और बाहर का नहीं खाना कोरोना की वजह से, तो मैं आरव के लिए एक सैंडविच भी बना रही हूँ। तो आलू का जो मिक्सचर है वो मैंने पहले ही बना लिया था, और मेरे पास दो ही ब्रेड बची हैं, तो दैट इज गुड कि एक सैंडविच आराम से बन जाएगी। यहाँ पर मटर और आलू जो है वो हमारे हो रहे हैं, तो सैंडविच बनाने के लिए उसे बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं है, बट आलू के मिक्सचर में थोड़ा सा स्पाइस है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि ब्रेड पे पहले मैं ये थोड़ा सा केचप लगा लूंगी दोनों ब्रेड पे, और फिर मैं फिलिंग कर दूंगी। इजी पीजी इजी पीजी लेमन स्वीटी ये आपको कर दा। तो ये जो है ये लगा दिया मैंने, और आलू का मेरे पास थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ही है, तो फटाफट से फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी सैंडविच, इजी हो गया मेरे लिए। That's it. इसको मैं बटर में अभी सेक लूंगी, तो ये सैंडविच भी हो गए रखने के लिए, फ्रूट्स हम
रख चुके हैं, आरुण ने आज पैकिंग किया फ्रूट्स की, ऑरेंजेस एंड पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज भी है, स्ट्रॉबेरीज नहीं ले जा रहे हैं, और कोकोनट भी है तो मे भी कोकोनट भी लेकर जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा बीच पे कोकोनट पी जाओगे, वाओ हुआ कि मटर हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, और मसाले डालने के बाद ही जस्ट मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूंगी, तो नमक डाल दूंगी, नमक, हल्दी एंड मिर्ची, ये मिर्ची बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और बहुत थोड़ी सी शुगर डालूंगी मैं, बहुत थोड़ी सी शुगर डालूंगी मैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं बट मेरा कड़ी पत्ता जो है वो खत्म हो गया है तो कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला है, मैंने फटाफट से थोड़ा सा सॉटे किया, उसके बाद सबसे पहले ग्रीन चिली के बाद मैं एक बार सॉटे कर दूंगी थोड़ा सा, और एंड टमाटोज, लॉट्स ऑफ टमाटोज, यू लाइक टमाटोज, और ये तवा हमारा गरम हो गया है तो मैं इसमें सैंडविच रख लूं, नो पोहा इज डन, इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू और धनिया। तो गाइस नींबू को मैं इसमें रखती हूँ, ये ज्वेलरी बॉक्स के आते हैं ना ज्वेलरी वगैरह के, वो तो इसमें नींबू जो है वो टाइट नहीं होता, कोई भी कपड़ा ले लो, पोटली बना लो कपड़े की, इस तरीके से छोटा सा बैग हो वो बना लो, तो नींबू इसमें जल्दी से टाइट नहीं होता और ये बहुत हैंडी रहता है। फटाफट से मैंने इस तरह से इसे बंद कर दिया। और एक चीज और नई आई है मेरे किचन में, मेरी जो नींबू वाली थी लेमन स्क्वीजर था वो टूट गया था, तो ये लेकर आए हैं ये लूलू से, इट इज सो हैवी बट सो गुड, मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना, अगर आपका नींबू वगैरह टाइट है ना तो भी बहुत अच्छे से इसमें से रस निकलता है, और इतनी बड़ी है कि इसमें जो छोटे ऑरेंजेस है ना अगर आपको उसका रस निकालना है बच्चे के लिए तो वो भी इसमें से आराम से निकल जाता है, कई होते हैं ना इन्फेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ऑरेंज जूस देना होता है तो वो भी निकल जाता है। तो नींबू डालने से पहले मैंने कर दी है गैस बंद, क्योंकि नींबू जो है वो लास्ट में डलता है, और देखो फटाफट से, ज्यादा प्रेशर ही नहीं लगाना इसमें, हो गया। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं फाइल के लिए, बहुत सही लग रहा है, बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है, कोरोना केसेस बढ़ गए कि बस फिर से वही लाइफ, इतना डर लगने लगता है ना अभी जरा से पता चले ना कोरोना केसेस बढ़ गए, और इस बार तो हमारी बिल्डिंग में ही होगा। व्लॉग में यही खत्म करती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, टिल देन बाय बाय।